मैं मोदी को मानता हूं क्योंकि बहुत सालों से जानता हूं जी, परंतु मैं इसके लिए इसकी सरकार को दुख नहीं देना था, और क्योंकि विकल्प एक राक्षसी है, तो इसीलिए मैंने इससे बदला कि हम सोनिया गांधी पर आए, मैं अरुण जेटली के बारे में एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। क्यों, मैं तुम्हें अरुण जेटली से मोह क्यों है? नहीं, मैं क्योंकि ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में इतनी मोहब्बत क्यों है डीमोनेटाइजेशन के समय। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन के समय, नोटबंदी के समय एक ही नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जो अरुण जेटली के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो छोड़ दीजिए, वहां का कोई कार्यकर्ता भी सोच नहीं सकता था। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कार्रवाई क्यों नहीं की मेरे ऊपर। वही तो, ये क्या हाँ। आप लोग की क्या मोहब्बत, बाकी लोगों के खिलाफ कर दिए, जेठमलानी के खिलाफ जी, शौरी के खिलाफ, यशवंत सिन्हा, फिर सुधांशु मित्तल को कोना कर दिया जी, वो भगवत आजाद का बेटा कीर्ति आजाद जी, हाँ उसको सस्पेंड करा दिया जी, मेरा क्यों नहीं किया? अरुण जेटली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो प्रयास तो बहुत किया उसने, चला नहीं उसका। आप उनको नेता मानते हैं कि नहीं मानते? कौन, अरुण जेटली किस नेता, किसकी नेता, बीजेपी के नेता? बीजेपी के नेता माने कम से कम चुनाव एक बार तो जीतना चाहिए ना। वो आजकल ब्लॉग बहुत लिखते हैं, आपको अच्छा लगता है उनका ब्लॉग पढ़ना? कभी पढ़ा? मैं कुछ नहीं पढ़ता उसका, लोग उनको ब्लॉग भी पूछना है। अच्छा चलिए, आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूं, सोनिया गांधी जी। हाँ ये ठीक, ये ठीक है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है, तो फिर मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है, तो फिर कौन सी? लेकिन अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, वो राक्षसी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई व्यक्तिगत? आप पहचानते नहीं तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ जी, और आप अखबार वाले भी पूछते नहीं है जी। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी जी, अब तो नहीं लिखती है। हाँ क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया, मैं गया था वहां लेक्चर देने के लिए, मैंने पूछा कैसा स्टूडेंट थी, कहते क्या थी ही नहीं कभी, तो मैंने कहा लिखकर दोगे जी, तो उन्होंने कहा हाँ लिखकर दे देंगे आप, एक एक छोटा सा नोट दे दीजिए हमें, तो मैंने दे दिया आई वांट ए कॉपी जी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दी, मैं आकर यहाँ स्पीकर को दिखाया, भाई देखो उसने एफिडेविट में कहा, और अब लोकसभा हुज हू में भी लिखा है कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश जी। तो उस समय मनोहर जोशी थे स्पीकर, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, मैंने उनको एक्सप्लेनेशन मांगो, तो चिट्ठी लिखा, जवाब क्या आएगा कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर इसको करेक्ट करना चाहिए जी, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो स्पीकर ने मुझसे पूछा कि अब क्या करें, मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिख दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक माने एक ए बी सी डी बदल हो सकता है, बट स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आपको लगता तो है आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं? हमने हम आप जो कहते हैं उसको हम लोग सब दिखाते हैं और दिखाते हैं, बिल्कुल तो कोई जाकर सोनिया गांधी को पूछते हो बात कि आपने तो ऐसा लिखा? पूछेंगे हाँ, बात करें तो कोई नहीं करता है। आज दूसरा मैं बोलूं जी, 63 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी, वो पांचवी क्लास पास हुआ है फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर पांचवी क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी, इटली में नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी, नौकरी कर रही थी, कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा ओके। तीसरा जी, प्रियंका गांधी की शादी हुई इससे से जी, उसका रिसेप्शन में 32 लोगों को ही बुलाया था जी, अध्यक्षता किसने की? सलमान तसीर आए हुए थे और
फरीदा अताउला, मुनीर अताउला, ये कौन है? ये ISI के लोग हैं। ये क्यों अध्यक्षता की? चौथा जो मैंने लिखा है जी, एक पुस्तक मैंने राजीव गांधी की असैसिनेशन पर लिखी है जी। राजीव गांधी ने एक दिन मुझे कहा, तुम अमेरिका जा रहे हो, ये अक्टूबर 10, 1989 में तुम अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। रास्ते में ट्यूनिस में रुक सकते हो? मैंने कहा रुक सकता हूँ, पर ट्यूनिस में क्या है? कुछ नहीं है वहाँ, साइट सीइंग के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ यासिर अराफात है, उससे मिलकर जाओ। तो मैंने कहा मैं तो प्रो इजराइल हूँ, उसको पता लगेगा तो वो वहीं मार देगा मुझे, मैं क्यों जाऊँ? नहीं नहीं, उससे मेरी बात हो गई, वो आपको रिसीव करेगा जी। तो ठीक है, तो परंतु क्यों? तो उन्होंने कहा ये उनसे एक बात पूछनी है जी। मैंने कहा क्या? सोनिया गांधी पिछले 10 साल से पैलेस्टीनियन के जो आत्महत्या करते हैं आतंकवादी, उनके परिवार को पैसा भेजती है, वो पहुंच रहा है कि नहीं, ये पूछ लो। ये मैंने लिखा है पुस्तक में। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास? मैं कह रहा हूं कि इसने कहा, मैंने लिख कर दिया आपका डॉक्यूमेंट, मैंने टेप किया राजीव गांधी को। कैसे प्रूफ करेंगे फिर इसको? मैं क्यों प्रूफ करूंगा? मैं यासिर अराफात को मिला जी, राजीव गांधी ने ये कहा, उसको डिनाई करने बोलो। मैंने उनको पूछा यासिर अराफात को जी, उन्होंने कहा हाँ, परंतु वो क्रिश्चियन ग्रुप जो है हबाश जी, उनको दे रहा है, उनको दे रहे हैं, मुझे देना चाहिए, मैं हूं अध्यक्ष, ये उसका जवाब था। आपकी एक और टिप्पणी थी जो अभी मैंने पढ़ी, आपने कहा कि प्रियंका गांधी हर संडे को चर्च जाती हैं। चर्च नहीं जाती, वहाँ घर में चर्च है, उसको चैपल कहते हैं, छोटी सी जी जी, एक मलयाली प्रीस्ट आता है जी, केरल का। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है? हाँ, वो बैप्टाइज्ड है, वो तो पक्का क्रिश्चियन है, सारे तीनों हैं, सब बनावटी कर रहे हैं। तो अभी जो रुद्राक्ष की माला पहनकर अयोध्या के दर्शन करने जा रही है, ये सब फिर क्या? संडे को प्रायश्चित करती है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपके हिसाब से हाँ पक्का हिंदू हैं या क्रिश्चियन? नहीं नहीं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। आप पक्का? वो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखकर इटली को भेजा ना, जो भी इटालियन, जब वो इटालियन सिटीजन रहते हुए उनकी बच्चा कहीं भी पैदा हो जी, वो ऑटोमेटिकली इटालियन सिटीजन बन जाते हैं जी, और उनको रिपोर्ट करना होता है। तो सोनिया गांधी ने दोनों का रिपोर्ट किया था। और वहां पर रिलीजन आपके हिसाब से क्रिश्चियन लिखा हुआ है? हाँ हाँ, उसने लिखकर भेजा इसमें। तो फिर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी कैसे घूमते? जनेऊ पहनने कोई भी पहन सकता, मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ, दुनिया मानती है मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हैं मंदिर। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे तमिलनाडु में जो वो जेवर बनाते हैं जी, अंसारी उनको कहते जी, हैं जी, वो जनेऊ पहनते हैं, चेटियार जनेऊ पहनते हैं, हमारे कायस लोग भी जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ ब्राह्मण का ट्रेडमार्क नहीं है, ब्राह्मण का ट्रेडमार्क एक ही है, ज्ञानी और त्यागी। और ये दोनों आपको गांधी परिवार तो कहीं नहीं? ज्ञानी की बात हो तो एग्जाम ही नहीं पास किया, ज्ञानी कैसे बन जाएंगे वो। चलिए, राहुल गांधी का एक और अभी जो ताजा उनका ऐलान है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के नीचे है 72,000 रुपए देंगे। ये 72,000 रुपए कहां से लाएंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की उन्होंने? अब अर्थशास्त्री तो आप हैं, मिलाकर 4,00,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होंगे, वो कहां से आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? कोई ऐसा कह सकता है? नहीं, संभव तो बहुत चीज कर सकते हैं, परंतु इसकी अकल में वो आएगा नहीं, वो बसेगा नहीं। तुम उनसे पूछो कि तुमने ये दिया है इसमें 4,00,000 करोड़ खर्च होंगे। आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं? झूठे हैं, झूठे तो है ही। जब वो कहते हैं मुझे कैम्ब्रिज से डिग्री मिला है MPhil, वो तो झूठा है, झूठ है जी। तो ये कौन सा झूठ नहीं बोले? बॉस्टन एयरपोर्ट में पकड़े गए थे $1,60,000 कैश में के साथ, और वाजपेयी ने उनको छुड़वाया था, नहीं तो वो जेल चले जाते। और वो मानेंगे? उनको कोई पूछने के लिए ब्रिटिश
ब्रिटेन का जो रजिस्ट्रार कंपनीज उसको कंपनी हाउस कहते हैं जी, उनका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जी, वहां से मैंने डाउनलोड करके दिखाया कि इसने लिखा है आई एम ब्रिटिश सिटीजन और कंपनी बनाया वहां, कोई तो पूछता नहीं है। कितने देशों के नागरिक? राहुल गांधी कितने देशों के नागरिक? चार देशों का पासपोर्ट है उसके पास, इंडिया का दो, एक इटली और एक लंदन। इंडिया का दो पासपोर्ट? हाँ, दो पासपोर्ट, एक दूसरे नाम पर, राहुल विंची। अच्छा, जो उनका क्रिश्चियन नेम है उसके हिसाब से? एक पता नहीं कौन सा नाम है, हाँ वो बर्थ सर्टिफिकेट में राहुल विंची दिया था। तो अगर ऐसा है तो आज तक किसी भी सरकार ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने आज तक इसको सामने क्यों नहीं रखा? किसी अखबार वालों ने भी नहीं किया, तुम सरकार को क्यों बोलते हो? ये जानकारी तो जाकर बोलो ना सरकार को कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा हमारे प्रोग्राम में कहा, ये सही है कि नहीं? हम तो पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। और राहुल गांधी से भी पूछो कि तुमने पासपोर्ट बनाया था राहुल विंची के नाम पर कि नहीं। और मैंने सारे दस्तावेज सुमित्रा महाजन को दी थी, वो बहुत प्रभावित होकर एथिक्स कमेटी को भेजा जी, अडवाणी उसकी चेयरमैन है, उसने एक मीटिंग की उनको नोटिस देकर, वो आया उसने कहा कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स, अडवाणी जी ने पूछा तुम्हारा दस्तखत है कि नहीं, वो कहता स्वामी को प्रूव करना चाहिए ये मेरा दस्तखत है। अरे तुमने भरा फॉर्म जी, ऑफिशियल इसमें आता है, कहते स्वामी को प्रूव करना चाहिए, फिर अडवाणी ने उसको उस पर कार्रवाई नहीं की। अब अडवाणी से जाकर पूछे क्यों नहीं कार्रवाई की, तो फिर मैंने राजनाथ को दिया जी, ये सिटीजनशिप एक्ट सब होम मिनिस्ट्री का है जी, आप करिए। उन्होंने सारा पीएमओ को भेज दिया कि पीएमओ फैसला करें। तो कोई भी बीजेपी का नेता इसे उठाने को क्यों नहीं तैयार है? ये उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। क्या लोग डरते हैं सब चीज के लिए मुझे जवाब देने की? नहीं, मैं आपसे जवाब, मैं आपकी राय जानना, मैं कहता हूँ उनसे पूछिए, उनका है कार्रवाई, मेरे कोई कार्रवाई में कमी है तो पूछे मुझे। क्योंकि वाजपेयी जी की बात जो आपने कही, वाजपेयी तो टोटली उनके फेवर में थे। नहीं नहीं, मैं ये बात, आप जेटली भी उनका फेवर में है, अरुण जेटली भी, हाँ पक्का, वो तो उनके मिला हुआ है। उसने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाकर ये कहा जी, एक जो सख्त यानी बहुत ईमानदार ऑफिसर है राजेश्वर नाम पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो चिदंबरम को चार्जशीट कर रहा था। उसने मीटिंग में कहा चिदंबरम मेरा दोस्त है, उसको कोई भी नुकसान करेगा तो मैं उसका नुकसान करूंगा, और उसको उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। जिस आदमी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है चिदंबरम का जी, जिसने कहा हम हिंदू टेरर हैं जी, उनके ऊपर जेटली ने कार्रवाई शुरू कर दी, आज भी चल रही है कार्रवाई। प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी किया, वो कुछ कर नहीं कर सके। अरुण जेटली इतने ताकतवर कैसे? ताकतवर तो प्रधानमंत्री से पूछे, उसका ताकत तो प्रधानमंत्री से आता है और कहीं से नहीं आता। पब्लिक में तो जीरो है, माइनस होगा, जीरो कैसे? ये बताइए कि जब आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, हाँ, और तमाम चीजें आपने सबके सामने रखी हैं, इसके बावजूद लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कहें इसको? या तो लोग आंख मूंद कर बैठे हैं या लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये दो बातें ही हो सकती हैं। मुझे आज द्रोणाचार्य ने अरुंजना से पूछा कि जब वो परीक्षा ले रहे थे जी, कि वो जो चिड़िया बैठी है उसको मारो जी, तो उसने निशाना धनुष को खींचा, तो क्या क्या दिखता, क्या दिखता है? तो उन्होंने कहा कि जो चिड़िया की आंख है उसकी जो आईरिस, उसको क्या कहते हैं, पीतू समझ कर पुतली, हाँ वो यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो क्या तुम पास हो गए? तो आज मुझे सोनिया गांधी दिखती है और कुछ नहीं दिखती है। आपकी तो मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये बाद में पूछे, जिस दिन सोनिया गांधी का छुट्टी करता हूँ तब पूछे। उनकी छुट्टी आप कैसे करेंगे? अब तो बेल पर तो मैं लाई गया हूँ जी, नेशनल हेरल्ड, नेशनल हेरल्ड मामले में तो बैलगाड़ी में एक छोटा सा एक बूंद की मदद नहीं की सरकार ने जी। मैंने अकेला उसमें पिटीशन फाइल करके यहाँ तक लाया हूँ कि उनको बेल में बैठा दी, चिदंबरम को भी बेल में बैठा दी, थरूर को भी बेल में बैठा दी जी, बैलगाड़ी में जी, टीआर के रास्ते में शुरू हो गई है, ये सब मैंने किया है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता। नहीं, आपने तो जो करना था बहुत किया, नेशनल हेराल्ड केस में आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ। सब है। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार सवाल पूछता हूँ, इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी हर मौके पर कहती है कि ये पूरा का पूरा परिवार बेल पर है। क्या नाम आपने नहीं लेंगे? आपका नाम नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछते हो? आप ही से तो पूछेंगे। क्या आपने सब कुछ करते हैं आप, मैं जी, और श्रेय ले जाती है भारतीय जनता पार्टी। मैं क्या हूँ, मुझे तो तसल्ली है, जो मैंने काम किया वो पूरा हो रहा है।
जी, अब वो मुझे क्रेडिट देते हैं नहीं देते हैं मुझे क्या चिंता है। आप इस मामले में एकदम त्यागी हैं? नहीं, क्या मुझे इससे क्या फायदा मिलने वाला है कि वो मेरा नाम ले? मेरा तो नाम वैसे भी प्रचारित है, पार्टी का दूसरे नंबर पर तो कम से कम हूँ लोकप्रियता में हमारी पार्टी में, तो वो पार्टी की मदद के बिना मैंने किया है। पार्टी की मदद होना तो पता नहीं काम पहुंच जाता। तो आज उससे मुझे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रेम मिलता है, संघ का सहयोग मिलता है, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ सारे मेरे साथ हैं जी। तो ये चार पांच लोग जो बोल रहे हैं उनका वो मेरा नाम नहीं लेते हैं तो मुझे क्या दुख है? अमित शाह जी से मेरा कोई बात नहीं होती है। आप अपने पार्टी अध्यक्ष से ही बात नहीं करते? किस बात पर मैं बात करूं बताइए भाई। पार्टी का अगर कहेंगे रसगुल्ला खाएंगे जो गुलाम जामुन खाएंगे यही, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मुझे तो कुछ लेना नहीं है उनसे जी। वो कुछ देने वाले नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? जाहिर सी बात है। अब रास्ते में मिलेंगे तो नमस्ते करते हैं जरूर। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा वक्त और ले रहा हूं जी। आई सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास मैडम जी, एक सेकंड माइक दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक मिनट पहले जरा जी साहब, बहुत छोटा सा सवाल और कृपा करके मैं आग्रह करता हूँ कोई अपनी टिप्पणी ना करे जी। हो रही है और राष्ट्रवाद भी हो रहा है। मैं एक पूर्व अर्ध सैनिक यानी कि सीआरपीएफ का रिटायर्ड ऑफिसर, हम चाहेंगे आपके माध्यम से जो 40 जवान जो शहीद हुए, माफ कीजिएगा, जिनकी पेंशन नहीं, पुलवामा वाले, तो चाहेंगे कि कम से कम सरकार अर्धसैनिक आधे अधूरे इनको पेंशन तो जारी करे, तभी तो हमारी सरहद सुरक्षित रह पाएगी। ये आवाज प्रधानमंत्री तक जरूर जानी चाहिए। ठीक है जी, चिट्ठी लिख दूंगा, आपसे भी मिले हैं। चलिए, आपका आश्वासन मिला, चिट्ठी लिखेंगे स्वामी जी। जी स्वामी जी, पहले तो बिग सैल्यूट फॉर यू कि आप बीजेपी में रह के नमो नमो की माला नहीं जपते, और दूसरी बात यह कि आपके आपके अंदर ऐसा क्या बात है कि आप अरुण जेटली की, अमित शाह की, हर किसी की मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपको पार्टी कभी भी निकालने के लिए नहीं सोच सकती, ऐसा क्या वीक पॉइंट है आपके पास उनका? नहीं, कोई वीक पॉइंट नहीं है, वो मानते हैं कि मैं पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ और पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूँ, और वो अकेला फैसला नहीं कर सकते, उनको संघ का अनुमति लेना होगा, विश्व हिंदू परिषद का सहमति लेना पड़ेगा, और वो नहीं मिलेगा वो। अच्छा, उन्होंने बता दिया, मैंने बता दिया, चौकीदार तो बचाने में लगा रहेगा, मैं हूँ ब्राह्मण तो बताऊंगा चौकीदार को किस चीज को बचाना है किस चीज को नहीं बचाना है जी। मैडम प्लीज जी। स्वामी जी, कांग्रेस पर हमेशा वंशवाद का आरोप लगता है, लेकिन कपिल सिंह सिब्बल का कहना है कि असली वंशवाद तो आरएसएस में है, क्योंकि हर राज्य का मुख्यमंत्री उनकी पसंद का बनता है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आरएसएस का कोई बेटा होता नहीं है, सब बैचलर्स होते हैं। तो वंशवाद माने कि जिस परिवार में पैदा हुए वही परिवार फिर आपको उनका अपना जगह दे देते हैं, तो जैसे कांग्रेस में चली है जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, सोनिया गांधी से, अब राहुल गांधी और हो सकता है प्रियंका, ऐसे ही चलते रहेगी, तो वो वंशवाद है। जो आरएसएस है वो तो एक ब्रदरहुड जिसको कहते हैं कि हम आपस में पहचानते हैं, तो मैं मेरे पूरा तुम पर विश्वास हो तो हम तुम्हें आगे करेंगे जी, वो वंशवाद नहीं कह सकते उसको। एक सेकंड, आरएसएस के ऊपर मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं। आरएसएस को लेकर एक अलग तरह की विचारधारा को प्रायोजित करने की कोशिश हमारे देश में अक्सर होती रही है, आरएसएस आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि अगर आप वामपंथियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या बहुत सारे लिबरल थिंकर्स की बात करें जिन्हें अवार्ड वापसी गैंग या टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, लिबरल थिंकर्स, तो ये आरएसएस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आरएसएस क्या है जिसे लोग इतने अलग अलग तरीके से देखते हैं। आरएसएस सबसे बड़ा दुनिया में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, जो स्वयंभू जी या स्वयंसेवक, ऐसा संगठन दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी।
शुरू हुई 5 लोगों से 1925 में, और आज सारे दुनिया भर की कुकर्म को सहन करके दुनिया के सबसे बड़ी संगठन बनी है जी। और उसका पैसा गुरु दक्षिणा से जाती है, और जो स्वयं सेवक अच्छी जगह में पहुंच जाते हैं वो देते हैं, सरकार से एक रुपया नहीं लेते हैं जी। और उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि इस देश में पुनरुत्थान होना चाहिए, और हिंदुओं की जो अस्मिता है और सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो बनना चाहिए, उसी पर वो केंद्रित हैं। वो अपने पद के लिए कभी नहीं सिफारिश देते हैं। तो पंडित नेहरू से लेकर अगर आप देखें तो राजीव गांधी तक, और अभी हाल फिलहाल भी तमाम कांग्रेस के नेता, हर किसी ने संघ परिवार को और खास करके आरएसएस को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखा? क्योंकि हम चुनौती हैं, लेकिन जब घबरा जाते हैं तो फिर आरएसएस को बुलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाइना ने पीट दी, रिपब्लिक डे में कितना आग्रह किया कि आरएसएस को तुम एक कंटिंजेंट भेजो रिपब्लिक डे परेड में। तो आरएसएस का पहला रिपब्लिक डे परेड तो नेहरू के जमाने में हुई थी जी। उस समय उतना डरे हुए थे, तो जब भी डर होती है तो लोग आरएसएस को कांग्रेस से अच्छा बोलते हैं, उनको बुलाते हैं जी। और कभी बाद में लोगों को समझ में आती कि हाँ हमने गलती की, तो जैसे प्रणब मुखर्जी पक्का कांग्रेस का राष्ट्रपति तक बना, वहाँ पहुँच गया कार्यालय में। तो इसीलिए आरएसएस कभी अपना प्रचार तो नहीं करती है, कोई आए ना जाए उनको कोई चिंता नहीं है जी। वो इस देश के लिए पूर्ण समर्पित हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे करियर्स को छोड़कर, अशोक सिंगल टॉपर थे, रज्जू भैया टॉपर थे, सुदर्शन टॉपर थे अपने, आप खुद, मैं तो आरएसएस में कभी नहीं था। हाँ, ही, लेकिन आरएसएस ने मुझे अडॉप्ट किया है, इतना तो सही है जी। उसको क्या कहते हैं, सौतेले बेटा या क्या दत्तक पुत्र। तो एनीवे जी, तो वो तो यानी स्नेह देते हैं और साथ रहते हैं जी। और परंतु आम तौर पर जो भी हिंदुत्व पर बोलेगा जी, उसका वो साथ देते हैं। वो ये नहीं कि तुम आरएसएस के नहीं हो इसलिए नहीं, मैं तो आरएसएस का नहीं हूँ जी, यानी औपचारिक मेंबर नहीं हूँ। मुझे शाखा से बचपन में शाखा से कोई बड़ा करके प्रचार करके फिर भेजा नहीं है जी। फिर भी क्योंकि मैं हिंदुत्व पर बोलता हूँ और हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, तो वो हमारी साथ देते हैं। मैं एक और सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले आप जी सवाल पहले पूछिए आप। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए जी। मेरा सवाल है कि सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, कांग्रेस से बहुत अच्छा है। तो हर चीज के लिए हम सीमा नहीं बनाएंगे जिसको कोई नहीं पार कर सकता जी। आखिर में कुछ भी हो, हम तो जानते हैं एक दो मंत्री करप्ट हैं, परंतु इस देश इस पार्टी में न्यूनतम करप्शन है। दूसरे पार्टी को दृष्टि से तो हम सब हरिश्चंद्र हैं, तो एक उसकी कामयाबी है। दूसरा है कि राष्ट्रभक्ति है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने लिट्टे को सबक सिखा दिया, हमने बर्मा में जाकर घुसकर, जिसका कोई प्रचार नहीं होता है, परंतु बर्मा घुसकर सारे आतंकवादियों को मार के आए। बिल्कुल, तो ये एक विराट पुरुषार्थ की एक पार्टी है जी। उससे हमें गर्व होता है, जो इतनी हो दुख हो सकती है कि ये भी कर सकते थे वो भी कर सकते थे, परंतु उससे हम पार्टी से हमारे कोई नफरत नहीं है जी। जी सर, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और एक सवाल है सर कि राम रक्षा का मंच है, तो मैं एक राम से संबंधित सवाल पूछूंगा जी। कि गवर्नमेंट तो अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रही है और विपक्ष भी नहीं साथ दे रही है जी। क्योंकि कपिल सिब्बल जी का बयान आता रहता है जी। तो सर आप बोले कि मैं उस पर एक्शन लूंगा, तो हमारे 5 ऐसे क्या स्टेप होंगे कि राम मंदिर बनेगा और कब तक बनेगा सर? ये आप एक अधिवक्ता भी हैं सर, तो आपके क्या एक्शन होंगे सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो सिर्फ अगली जब सरकार बनेगी और उसमें मैं जो जमीन है जी, वो राम जन्मभूमि न्यास समिति और जो भी और पार्टीज को साथ करके, साधु संतों को भी साथ रखकर, हम कहेंगे राम मंदिर का काम शुरू करो, कोर्ट की परवाह नहीं करेंगे। और कोर्ट क्या कहेगी, हम तो कहेंगे जमीन सरकार की है। वो कहते हैं कि हम टाइटल का जो सूट चल रही है, हाँ फैसला करिए, 5 साल भी ले लीजिए, 100 साल भी ले लीजिए, जब आप फैसला करोगे बता दो किसकी टाइटल है, हम उसको मुआवजा दे देंगे जी।
पर जमीन तो सरकार का है। मैं भविष्यवाणी करूंगा कि आप मेजोरिटी दोगे बीजेपी को तो मेरा नाम स्वामी है तो जुलाई तक काम शुरू हो जाएगा। क्या बात। सुब्रमण्य स्वामी जी, हिंदुत्व के मुद्दे पर कई लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं। एक और चेहरा है जो बड़े पैमाने पर उभर कर देश के पटल पर है और वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ में आपको क्या दिखता है? नहीं, वो बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, तो कुछ बुरा तो दिखता ही नहीं है। जाहिर सी बात, अच्छा ही दिखता है। कर्मठ है, योगी है, मैं उनके गुरु जानता था, मैं उनके मंदिर में आश्रम में ठहरता था। नानाजी देशमुख ने मेरी परिचय कराई थी, वो कई बार मुझे ले गए, ये जब बालक था तब से जानता हूँ। ये बहुत सच्चा आदमी है, बहुत निर्डर है और इसकी बहुत राजनीति में तो बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन जिस तरीके से उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आई, लोगों ने कहा कि बहुत वो खास करके जब जो तमाम क्रिमिनल्स हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं सुधरते हो तो हम आपको मार गिराएंगे, इनकाउंटर्स, तो उस टिप्पणी को लेकर लोगों ने कहा कि भाई ये इनकाउंटर राज चला रहे हैं, 1100 लोगों को मार दिया। नहीं देखो, कोई एक क्रिमिनल को पीछा करके उसको पकड़ने के आते हैं, वो बंदूक निकालता तो उसको शूट ही करना चाहिए, वो तो सेल्फ डिफेंस कहते हैं। जी हाँ, अब आप इसमें जजमेंट में बैठ जाओ तो फिर तो अब कल तक कह रहे थे कि वो क्या सनातन संस्था जी, ये आरएसएस के बनी हुई है, उसने वो गौरी शंकर या कोई भी क्या गौरी लंकेश उसको मार दिया, इसको मार दिया, आज उसको टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये सारे जो बदनाम करने की, हिंदू को बदनाम करने की सारी गतिविधियां जा रहे हैं, गाय के सवाल पर, इस पर, उस पर जी, सब कांग्रेस को उसमें फाइनेंसिंग चल रही है। गाय के मुद्दे पर भी आपको लगता है कि कांग्रेस लगातार, बिल्कुल, हमारे एक भी बीजेपी आरएसएस का ये कभी नहीं कर सकता कि किसी ने गाय को ले गए तो उसको पकड़ के मार दो, ऐसा हम कभी नहीं। तो राजस्थान में जो हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वो हमारे कोई भी एक भी नहीं आज तक पकड़ा गया, एक भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन वहां पर जो लोग पीड़ित परिवार हैं वो तो ये कहते हैं कि वो बजरंग दल के और संघ परिवार से, आप तो पता नहीं कौन से किसको इंटरव्यू करते हो, कैसे करते हो। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट के फैसला पर जाऊंगा। आपके हिसाब से कोई हिंदू किसी भी हिंदू का बात नहीं कर रहा जी, वो तो राहुल गांधी भी कहता मैं हिंदू हूं, तो हिंदू तो कोई भी कह सकता, मुसलमान भी हिंदू वेश जाकर कर सकता है, ये ऐसा नहीं है जी। सवाल है कि वो मेरा पहचानने वाला बीजेपी का है, आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद का है, एक भी नहीं आज तक मिला मुझे। तो और आप लोग इसको उछालते हैं फिर भूल जाते हैं। एक मुझे याद है शुरू में, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट चले गया इस सारे मामले में जी। यही हरियाणा में कहीं एक दलित परिवार सारा जला दिया है और उसमें बेचारे वो वीके सिंह को भी, हमारे जनरल सिंह को भी फंसा दिया। उसने कहा कि मैं तो सेंटर का हूँ, ये तो स्टेट का मामला है, तो कल तुम कोई कुत्ता मर जाएगा उसको भी कहेंगे तो हाँ, इसने कह दिया हरिजन कुत्ता है, शेड्यूल कास्ट कुत्ता है, इस तरीके से बहुत प्रोपेगेंडा आपने की। बाद में जब FIR अखिलेश की सरकार ने दर्ज की, उसमें लिखा है कि अंतर पारिवारिक अंतर में झगड़ा होने के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, एक हिस्सा ने दूसरे हिस्सा को जला दिया जी। तो कितने दिन के लिए चली कि आरएसएस ने किया, इसने किया, वो है इनटॉलरेंस, ये सारी। अब उसके बाद कोई फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दो चैनल को कहा जाकर इस FIR को दिखाओ जी, नहीं दिखाते हैं। तो ये बताइए कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो अवार्ड वापसी के नाम पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके नाम पर, एक अलग राजनीति की दुकान चलाकर बैठे हैं और उस दुकान को आयोजित करते हैं? अवार्ड वापसी लोगों ने, किसी ने पैसा वापस नहीं भेजा, मैं बता रहा हूँ, पता करो। हाँ नहीं, पैसा किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, सबने अवार्ड वापस करने की बात कागज दे दिया, तो हम क्या करेंगे उससे? पैसा भी वापस करना चाहिए 12% इंटरेस्ट के साथ। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को कहना चाहिए कि भाई साहब अवार्ड दिया तो नहीं, हम तो इसको हल्का लेते हैं, चलता है ये सब। तो ये लोग जो कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे आखिरकार? ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं, ये सब एक साजिश के अनुसार हमारी पार्टी को बदनाम करके, विदेशों से प्रशंसा पा के इस देश में किसी तरीके से हमें कमजोर करने के लिए कोशिश किया।
और इसके पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हाथ दिखाई देता है। कांग्रेस, पाकिस्तान, क्रिश्चियन ग्रुप्स अमेरिका में, जी ये मिलकर किया। पाकिस्तान और कांग्रेस के संबंधों के बारे में आपकी बहुत क्या पुराना है? है मैंने कह रहा ना कि इसकी शादी में जी प्रियंका गांधी की शादी, हाँ फरीदा अताउला जी आईएसआई की एजेंट और विवेनाजी की पैसा कलेक्टर जी, हाँ उसको अध्यक्ष बनाया, पूछो उनसे, वो तो आती है घूंघट पहन के, उसमें पूछो। हमारे हिंदू महिला कभी घूंघट नहीं पहनेंगे, बता रहा हूँ, ये मुसलमान का असर है। तमिलनाडु में कोई भी घूंघट पहनेगी औरत तो समझेंगे वो विधवा हो गई है। अब पता नहीं कि आजकल आप लोगों ने वज्रा को कहीं देखा तो नहीं? नहीं अभी नहीं, तो उसको बोलो कि घूंघट नहीं पहनना चाहिए, हिंदू है तो नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के संबंध में एक और बड़ा सवाल, इमरान खान को लेकर आपको जरा सा भी भरोसा है? वो गधा है, उस पर आईएसआई सवार हो रही है जी, उससे क्या बात करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी मोदी जी ने लेकिन पाकिस्तान, मोदी जी से देखो, अब मोदी जी और मेरे में मत, नहीं नहीं मैं मोदी जी कभी इस तरह का कुछ मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से बात मत करो, सब तोड़ दो, एम्बेसी को बंद कर दो। मुझे कितने परिश्रम करना पड़ा, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जी, पाकिस्तान लूट रही थी हमें बिल्कुल, और हमारी इंडस्ट्री को खराब कर रही थी कि वो कभी भी यहाँ ला सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ये सब हमने फैसिलिटी दिया था कांग्रेस के जमाने से। उसके लिए मुझे 4 साल लगी बंद करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से जो मैं कहता हूँ मोदी जी नहीं कह सकते, वो करने भी चाहेंगे तो ये कई मोदी जी मेरे बात का बाद में कर देते हैं, जैसे GSTN में उसने जो सरकारीकरण की मेरे कारण से की, महबूबा को हटाने का, ये सर तो मोदी जी हो सकता कल कर देंगे, परंतु आज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का इलाज ये है, इस गधे के साथ कभी नहीं बात करनी चाहिए, उस पर सवार होकर आते हैं ISI और मिलिट्री के लोग, और ये कुछ भी नहीं है, कल को उसको उतार के फेंक सकते हैं। तो पाकिस्तान का इलाज क्या है? आप इलाज चार टुकड़ा और उसके लिए फौज को खुली छूट, हाँ फौज को खुली छूट, फौज को खुली छूट, और यहाँ उनकी एम्बेसी खोल दो और फिर जो पैसा मांगते हैं वो दे दो। पुलवामा के बाद हमने जो एयर स्ट्राइक किया आपने उसे काफी अच्छा माना, लेकिन क्या ये अपने आप में काफी था? क्या इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? वो इलेक्शन के बाद करेंगे, इलेक्शन के बाद पक्का करेंगे, पक्का। आपको विश्वास है कि मोदी सरकार अगर दोबारा चुनकर आती है तो पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा? बिल्कुल, कोई कर सकता है, बीजेपी कर सकती है और बीजेपी के नेता मोदी हैं जहां तक मेरा दृष्टिकोण है जी। जैसे मैंने कहा कि नेता तो RSS तय करेगी, जो कहेंगे मैं मान लूंगा जी, परंतु आज मोदी है और मोदी को मानता हूं मैं, उसको जानता हूं, और ये पाकिस्तान को ठीक करने में इससे अच्छा आदमी आपको मिलेगा नहीं। एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं आपका बहुत वक्त हमने लिया, आज देश में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े करते हैं, क्या राष्ट्रवादी होना अपराध है हिंदुस्तान में? किसके लिए? राष्ट्रवादियों के लिए तो नहीं है, हम तो गर्व से कहते हैं हम राष्ट्रवाद हैं।